बड़े पैसे वाले आप हैं जो फजर की नमाज पढ़ते हैं। आज सब लोग परेशान हैं। काहे परेशान है भाई? दुनिया को लेकर परेशान है, दीन को लेकर कोई नहीं परेशान है। भला बताइए, दीन को लेकर कोई परेशान है? अरे दीन का ऐसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, दुनिया को लेकर सब परेशान है। मेरे भाइयों, ईमान की फिक्र कीजिए, जान की नहीं। जान तो कभी भी चली जाएगी, लेकिन ईमान बचा रहेगा तब ना। हम और आप बड़े नाशुक्र हैं। सहाबे कराम क्या थे? शुक्र अदा करते थे। आइए एक हदीस सुनाता हूं। सही बुखारी किताब उस्सौम हदीस नंबर 1982। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, और अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु सात खुशनसीब सहाबा में से है जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा हदीस बयान की है। सबसे ज्यादा अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। चार चीज में मैं फायदा बताऊंगा। चार चीज में अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा अक्सिर मालन व वलदन व बारिक लहू। ऐ अल्लाह, तू अनस को माल दे, औलाद दे और उसमें बरकत दे दे। आज हम और आप लंबी लंबी दुआ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारी दुआ कबूल हो रही है? कबूल नहीं मेरे भाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी कि अल्लाह, तू अनस को माल दे, औलाद दे, बाल बच्चा दे और उसमें बरकत दे दे। आपको मालूम है अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद कितने बच्चे थे? कोई बता पाएंगे? अब मैं आपको बताता हूं। आज अपने पास कितने बच्चे होते? दो। एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। समझे कि नहीं? एक के बाद अभी नहीं और दो के बाद कभी नहीं। सिर्फ दो बच्चे। और अगर बेटा हो गया पहला तो दूसरा भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? और अगर एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे, कितने के पास तो औलाद भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। वो रो रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको तू औलाद दे दे। आप लोग जोर से बोलिए आमीन। कितने के पास औलाद नहीं है, बाल बच्चे नहीं है, मियाँ बीवी परेशान है। उनके घर पे लेडीज सब बोलती है, अरे कैसी बहू आई है, बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, पोता कब आएगा पोता। तो आप ही बताइए, औरत के हाथ में है, मर्द के हाथ में है, अल्लाह के हाथ। तो ऐसे लोगों के लिए दुआ कीजिए। इसमें क्या है, जिनके पास औलाद है वो भी परेशान है और जिनके पास औलाद नहीं है वो भी परेशान है। सही में, क्यों? कितने बच्चे बहुत बदमाश हैं, बहुत बदमाश होते हो, तो माँ बाप परेशान है, अरे कहाँ से चला आया। और कितने को औलाद नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे, तो परेशान है। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास कितने बच्चे थे? याद कीजिए, बेटे, पोते, पोतरियां, नवासे, नवासियां, 10 नहीं 20 नहीं, एक आदमी के पास 30 नहीं 40 नहीं, 50 बच्चे नहीं। आवाज आ रही समझ में? 50 बच्चे भी नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, 100 नहीं। 100 तक हम पहुंच गए हैं, नहीं नहीं चल रहा है। यानी 100 बच्चे नहीं, 110 बच्चे नहीं। तो कितने बच्चे हैं? 120 बच्चे। हाँ, कितने बच्चे थे अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास? 120। कैसे खाते होंगे, कहां से खाते होंगे, बोलिए, कैसे रहे होंगे, कौन है खिलाने वाला? अल्लाह। तो हम और आप नाशुक्रे हैं। खिलाता कौन है? अल्लाह। हुकूमत हमको नहीं खिला सकती है, कोई आदमी हमको नहीं खिला सकता, खिलाने वाला कौन है? ऊपर वाला अल्लाह। 120 बच्चे, अल्लाह अकबर। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक साहब है, उनके पास 3 बीवी है। कितनी बीवी है? 3। 60 बच्चे हैं 60, और वो चाह रहे हैं कि सेंचुरी मार लें। क्या चाह रहे हैं? तो सेंचुरी मारेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 बच्चे हो जाएंगे। तो वो चाह रहे हैं कि एक बीवी और हो जाए और 4 बीवी से 100 बच्चे हो जाएं। कौन खिलाएगा पिलाएगा? अल्लाह खिलाने वाला है।
अभी एक वीडियो और मैं देख रहा था, एक औरत है 22 साल की औरत है, उसके पास 25 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 25, 25 बच्चे हैं। तो उससे रिपोर्टर ने पूछा कि और कितने बच्चे चाहिए, बोले 25 और चाहिए। अब देखिए 50 बच्चे चाहिए। तो अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास 100 से ज्यादा बच्चे थे, नंबर एक। नंबर दो, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र कितनी थी? 50 साल नहीं, 60 साल नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, 100 साल से भी ऊपर थी। 100 साल की उम्र पाई उन्होंने। देखा आपने, वही दुआ की बरकत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी है। तो बच्चे भी ज्यादा हो गए, उम्र भी ज्यादा हो गई। नंबर तीन, अपने लोग खेत करते, इधर खेत में क्या होता है, आप लोग क्या खेत में क्या होता है? आम होता है, और क्या होता है? लीची भी है, और क्या है इधर खेत में? सब्जी भी होता है। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो का बाग साल में दो मरतबा फलता था, दो मरतबा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दिया, साल में दो मरतबा। सुनन तिर्मिज़ी किताबुल मनाकिब हदीस नंबर 3833, साल में दो बार। अपने लोगों का साल में एक बार, उनका साल में दो बार। और उनके बाग में एक ऐसा फूल था जिससे खुशबू आती थी। देखा आपने, उम्र में बरकत, बच्चे में बरकत, माल में बरकत, इलम में बरकत, चार चीज। इलम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी हदीसें आई है, सबसे पहले नंबर पे हदीस बयान करने वाले अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला, सबसे पहले अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला। तीसरे नंबर पे है अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला। देखिए, चार चीज में फायदा हुआ उनको, इसलिए वो कहते हैं उस हदीस में, फइन्नी लमिन अक्सरिल अंसारी मालन, कि मैं अंसारियों में सबसे बड़ा मालदार हूं। आज हम में से कोई आदमी कहेगा मेरे पास माल बहुत है, छुपाएगा, अरे बोलेगा नहीं, पता चल जाएगा, लोग क्या कहेंगे, सही है कि नहीं? कि मालूम ना हो जाए, सेन न खंदे, चला ना आए। अल्लाह अल्लाह जिसकी हिफाजत करना चाहे, दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती है। इसलिए शायर ने कहा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। इसलिए मेरे भाइयों, पांच गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा मिल के रहेगी। तीन ही गुनाह का जिक्र करूंगा। सुनन इब्न माजा किताबुल फितन हदीस नंबर 4019, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे, लोग सब बुराई कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो अल्लाह प्लेग की बीमारी और ऐसी बीमारी भेज देगा जो इससे पहले नहीं थी। जैसे एड्स की बीमारी नहीं थी, अभी फैल गई है। कितने लोग शादी नहीं कर रहे हैं, क्या करते हैं? औरत मर्द गलत काम कर रहे हैं, तो जब गलत काम करेंगे, दूसरे की बीवी के साथ करेंगे, फिर इसी तरह दूसरे की बेटी के साथ करेंगे, तो एक बीमारी लग जाएगी, उस बीमारी का नाम है एड्स। उसका कोई इलाज नहीं है, लोग कर रहे हैं, बुराई है, बहुत ज्यादा बुराई फैल रही है। शादी नहीं कर रहे हैं लेकिन काम चला रहे हैं, नुकसान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगे, वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखज़ु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौरिस सुल्तानी अलैहिम। गौर से सुनिएगा, जहां नाप तौल में कमी होने लगे, मार्केट में जाइए, मार्केट में किलो जानते हैं, किलो किलो, ये दो तरीके का होता है। चेहरा देखकर अगर दाढ़ी वाला कोई आ गया तो हल्का वाला चढ़ाया, और अगर कोई दबंग आ गया तो सही वाला चढ़ा दिया, है कि नहीं? हाथ मार रहे हैं। चाहे मुर्गी वाला रहे, चाहे मुर्गी वाला रहे, या गोश्त वाला रहे, चावल वाला रहे, या दाल वाला रहे, आलू वाला रहे, प्याज वाला रहे, हाथ मार रहे हैं। सेब वाला रहे, हाथ मार रहे हैं, हाथ। मेरे भाइयों, आज हम और आप चाहते हैं कि हमारी परेशानी खत्म हो, हमारी परेशानी हमने खुद मोल ले ली है। आज परेशानी हमारी वजह से है, नाप तौल में कमी। मार्केट में चले जाइए, लोगों को बोले अरे भाई ये क्या है, अरे नहीं 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 नहीं, मेरा वजन सबसे अच्छा है। आप कहीं भी तौला लो, ऐसे बोलते हैं ना बात करते हो, अरे भाई मेरा वजन सबसे अच्छा, कहीं भी तौला लो, बहुत चलता है सब। लेकिन चलता नहीं भाई, चलता नहीं, लोग हाथ मार रहे हैं।
और ये समझ रहे हैं कि हाँ 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 बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बहुत पैसा आएगा। ना ना ना, गलत तरीके से जो भी कमाएगा उसको माल रास नहीं आएगा, वो कभी भी कमा नहीं सकता, बरकत खत्म हो जाएगी, नाप तौल में कमी। सजा क्या मिलेगी? 3 सजा, इल्ला उखुज़ु बिस्सिनीन, बारिश नहीं होगी। नंबर 2, वशिद्दतुल मऊना, नौकरी नहीं मिलेगी। आज सब लोग परेशान है, बोलिए सरकारी नौकरी मिल रही है? नहीं नहीं नहीं, कहाँ है? अरे डॉक्टर बने बैठे हैं, इंजीनियर बने बैठे हैं, मास्टर बने बैठे हैं, है ही नहीं। इससे अच्छे तो माशाल्लाह मौलवी लोग हैं, कम से कम उनका पेट तो चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना लोग अच्छे हैं कि नहीं भाई? और मौलाना लोगों के पास बच्चे भी हमसे ज़्यादा हैं, हमारे पास 2 ही बच्चे हैं, मौलाना लोगों के पास आधा दर्जन। भाई वो 50 बोल रहे, देखिए वो मौलाना लोगों के पास कितने, आधे दर्जन है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी कभी 1 दर्जन भी है। और मौलाना लोगों की तनख्वाह कितनी है आप ही बताइए? 5,000, 3,000, 4,000 है कि नहीं? अब एक साहब ने कहा, मौलाना से मजाक किया, तो मौलाना ने भी मजाक कर लिया। एक साहब आए और कहा कि भाई साहब आपकी तनख्वाह है 5,000, मेरी है 25,000, लेकिन मेरी 25,000 बरकत वाली नहीं है। मौली साहब आपकी 5 वाली बहुत बरकत वाली है। तो मौलाना साहब ने कहा कि ऐसा करते हैं कि आइंदा महीने से मेरी 5 आप ले लीजिए और अपनी 25 हमको दे दीजिए, चलेगा? देंगे कोई? कोई नहीं देता। कोई देता? नहीं देता। तो ये सरकारी नौकरी के चक्कर में बहुत सारे लोग परेशान हैं। एक बंदर है, बंदर के सामने आप केला फेंकिए और पैसा फेंकिए, बंदर क्या करेगा? पैसा काहे नहीं लिया? पैसा काहे नहीं लिया? पैसा अगर वो लेता तो केला भी खरीद सकता था और बाद में और खरीद लेता केला, लेकिन उसका दिमाग क्या गया? पैसा नहीं लेना, केला लेना। तो सरकारी जॉब या कोई भी जॉब इसी टाइप का है। इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत, सरकारी चक्कर में मत रहिए, मेहनत कीजिए, हाथ पर मारिए, भागिए, फिर देखिए नोट खुद ब खुद आता है। चाइना के लोग मेहनत बहुत करते हैं, अमेरिका के लोग मेहनत बहुत करते हैं, हम और आप सिर्फ सरकारी जॉब के चक्कर में। सरकारी टीचर बन जाओ, पैसा आएगा, और उसमें भी माफिया लोग बैठे हुए हैं। अगर कोई सरकारी टीचर बना और कहीं पर स्कूल है तो वो अपने वाले सबको भर लेता है, चाहे उसको पढ़ना आए या ना आए। बहुत सारे स्कूल में आप देख लीजिए ऐसा ही चल रहा है कि नहीं? आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग, वो अपना ही बेटा, अपनी ही बहू, अपनी पुतो, वो अपना ये, अपना ये, जबकि उसको कुछ लिखना नहीं आता है और लोग भर लेते हैं, तो नौकरी नहीं मिलेगी। 3, वजौरी सुल्तानी अलीम, और जालिम बादशाह को अल्लाह मुसल्लत कर देंगे। तो आज जो हमारे हालात बने हुए हैं मेरे भाइयों, हमारे गुनाहों की वजह से है। इसलिए हम और आप गुनाह करना छोड़ दें, गलत काम छोड़ दें, फिर देख लीजिए आपकी सब बात सुनी जाएगी। ना शुक्रे हो गए हम और आप, ना शुक्रे। हमारे यहाँ बहुत सारे गुनाह हैं, मैं 2-4-5 गुनाह गिनाऊंगा। जो बड़े बड़े गुनाह हैं उससे बचना बहुत ज़रूरी है। एक तो नमाज की पाबंदी नहीं हो रही, दूसरी चीज़ अपने यहाँ पीने वाले भी बहुत हैं। पैसा अल्लाह ने दिया तो सीधा पी पी के बर्बाद कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे? पीने वाले भी 2-3 तरीके के हैं, कुछ लोग इस तरीके से पीते हैं, कुछ लोग इस तरीके से पीते हैं, पीते कि नहीं पीते? और ये लंबा वाला जो है ना पीने वाला, उसको क्या बोलते हैं भाई? सिगरेट। देखिए वो आप लोग खुद ही बोल दे रहे हैं, तो अपने बच्चे से मंगाते कि बेटा सिगरेट लेकर आ, हे बाबू इधर आ सिगरेट लेकर आ, दुकान से लेकर आता है और बच्चे के सामने ही हम सिगरेट पीते हैं, तो आगे चल के हमारा बच्चा भी सिगरेट पिएगा, है पिएगा कि नहीं पिएगा? हमने और आपने खुद ही पीने वाला बनाया है। और छोटे बच्चे ऐसे होते वो सीखते माँ बाप से, जबकि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सब चीज़ माँ बाप ही से सीखते हैं, माँ बाप से। इसलिए माँ बाप को बच्चों के सामने एकदम सतर्क रहना चाहिए। माँ क्या करती है? वो भी पीती है। कितनी माँ पीने वाली भी है, कितनी माँ ये खाने वाली भी है। बाप भी खाता, वो भी खाता, उसको क्या बोलते हैं? खैनी। खैनी जानते हैं? गुटका, तंबाकू, खैनी, पान पराग, और क्या भाई? बीमाल, और बहार। अच्छा सही है, सही है, सब सब। जबकि उसकी पुरिया में लिखा रहता है कि जो भी खाएगा उसका गला यहाँ से कट जाएगा, लेकिन फिर भी खाता है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, ट्रेन में आप चलिएगा, ट्रेन में तो बेचने वाला सब अक्सर वैसा रहता है जो कमज़ोर है। कमज़ोर मतलब किसी का पाँव नहीं है तो वही बेच रहा है, अक्सर देखिएगा। आँख नहीं है तो क्या बेच रहा है? बीमल बेच रहा है। हाँ, बीड़ी सब यही लोग बेचता है।
अरे एक तो खुद उसका हाथ खराब है, आंख खराब है, पैर खराब है, लेकिन दूसरों को भी और परेशान करके वो खराब करना चाह रहा है, उसका ये खराब हो जाए। अक्सर आप देखिएगा लेडीज सब भी बेचती है, और आप हावड़ा से सियालदा से मालदा टाउन की तरफ आइए, हर बोगी में बेचने वाले तो भीड़ लगी हुई है कि नहीं, सब बेच रहे हैं, ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं भाई, है ना बेचने वाले। आप उसको बोल के देखिए, आप बोल के देखिए क्या बोलेगा वो। वो तो सरकार ने जरा जुर्माना लगा रखा, वरना पीना भी लोग शुरू करते, पीते भी हैं कितने, नहीं तो फिर अंदर जाके पीते हैं। सही बोले आप बाथरूम, और कितने पीने वाले ऐसे हैं और खैनी खाने वाले ऐसे हैं, वो मस्जिद के भी बाथरूम में आके पीते हैं। कभी आप मस्जिद का बाथरूम देख लीजिए, खैनी वहां के खा, और कितने ऐसे हैं कि अगर वो नहीं खाएंगे तो उसका साफ नहीं होगा, वो बीमारी है कितने लोगों को, खा रहे हैं। और कितने लोगों का यहां से कट के गिर गया है पूरा, ये गए। याद रखिएगा मेरे भाइयों, सेहत सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपका सेहत है तो सब आपको सलाम करेंगे, अगर आपको सेहत नहीं कोई सलाम नहीं करता। आपको बीमारी अगर लग जाए, हॉस्पिटल में आप पड़े रहे, कौन पूछेगा, कोई पूछेगा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आज से बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी सब खत्म। एक बात और बता दूं, मस्जिद में हम और आप आते हैं जुमा के दिन, जुमा पढ़ने आते हैं जुमा के दिन। हमारी नमाज कब हो रही है, 8 की खाट की 360 की, 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज, और 360 वाली ईद बकरीद की नमाज। गुटका तंबाकू खैनी बीड़ी जो ये लोग कर रहे हैं ना, ऐसा आप कम कर दीजिए, और उसका 100 रुपया ला के मस्जिद के बॉक्स में डाल दीजिए। मस्जिद में बॉक्स है कि नहीं, अगर 500 लोग 100-100 रुपया हर जुमा को उसमें डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 लोग 100-100 रुपया अगर उसके अंदर डालेंगे तो कितना हो जाएगा, हिसाब कीजिए, 50,000। सही कहा, 400 लोग 100-100 रुपया उस बॉक्स में डालेंगे गुटके का, सिर्फ गुटके का, चाय का, चाय कितने मिलती है आपके यहाँ, चाय 5 रुपए मिलती है, दो चाय का पैसा कम से कम 10 चाय तो पी जाते हैं हम और आप एक दिन में, 2 चाय का पैसा बचाइए, हफ्ते में 100 रुपया बच जाएगा। उसको ला के आप मस्जिद के बॉक्स में डाल दीजिए, अगर 400 लोग डालते हैं 300 लोग डालते हैं आपकी मस्जिद खुद ब खुद चलेगी। सिर्फ गुटखा के पैसा से तंबाकू बीड़ी सिगरेट पान पराग चाय, तो मेरे भाइयों ख्याल रखना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। इसलिए सुधार पैदा करना बहुत जरूरी है। आज नशा वाली चीज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी जान को बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते अपनी जान को बर्बाद मत कीजिए। बहुत सारे नौजवान ऐसे हमारे जो ड्रग्स लेते हैं, जानते हैं ड्रग्स लेना, कितने लोग MD गोली खाते हैं, कितने लोग यहां घुसाते हैं इस तरह सुई घुसा के पड़ा रहता है। इसलिए सरकार भी बोलती है, अरे ये सब क्या नशा खोर लोग, और ऐसे लोग बहुत ताव में बात करते हैं, एक कौन है अपन से बात नहीं करने का, है ना, ऐसे कैसे जो नशा वाले सब होते हैं वैसे बात करते हैं, सही है कि नहीं, और एकदम पतली हड्डी होती है, एकदम फूंक दीजिए तो गिर जाएगा सही में। और जो लोग पी कर आते हैं, ये समझ गए ना, पी के आना, शराब पी के आना, वो आकर क्या करते हैं, गली गली में आकर गटर में सीधा गिर जाते हैं ना, पड़े रहते हैं, अपना पेशाब पखाना सूंघते रहते हैं, और कभी कभी वो बेहतरीन उर्दू में बात करेंगे आपसे, भाई मैं तो वो हूँ तो ये हूँ। कितने लोग ऐसे हैं कि अपने माँ बहन पर भी हाथ छोड़ देते हैं वो पी कर आते हैं, कितने ऐसे हैं जो पी कर आते हैं और अपनी बीवी को मारते हैं, उससे पैसा छीन के ले जाते हैं, पैसा लेके जाते हैं, बेचारी से मारते भी हैं, क्या मालूम कैसी जोड़ी लगी हुई है, मारते हैं पैसा ले जाते हैं। और कितने लोग जुआ खेलते हैं और पैसा हार जाते हैं, कभी कभी बीवी को भी हार जाते हैं, है कि नहीं, चल रहा नशा पीने वाले, नशा करने वाले, शराब पीने वाले। अच्छा अपने बंगाल में तो शराब बैंड नहीं है, पता है ना आपको, बैंड नहीं है, बिहार में बैंड है, लेकिन जब बिहार में बैंड है तो लोग पीने के लिए झारखंड में घुस जाते हैं या उधर UP में घुस जाते हैं, पीने वाले का क्या।
अब पुलिस जो है खूब कमा रही है और कहीं कहीं पकड़ भी रही है, कहीं कहीं पकड़। और आपको मालूम है जो लोग पी के चलाते हैं रोड पर एक्सीडेंट भी बहुत हो रहा है, और सुबह सुबह के वक्त एक्सीडेंट ज्यादा होता है। आप देखिएगा अक्सर वो नशे में होते और रात में बहुत स्पीड में चला रहे हैं। बिहार सरकार ने जब बैन लगाया था तो वहां की औरतों ने कहा था नीतीश बाबू बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम तो अपने प्रधानमंत्री जी से मोदी जी से कहते हैं कि पूरे भारत देश में भी इस पर बैन लगा दिया जाए, सही है कि नहीं, ताकि जो परेशानी है वो खत्म हो जाए, जहां शराब बनती है भट्टी है उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन होगा ऐसा मेरे भाइयों? इसलिए हमें बच के रहना, हमें बच के रहना। जो लोग शराब पीते हैं नशा करते हैं वो नुकसान बहुत कर रहे हैं। आइए एक हदीस सुनाता हूँ, सही मुस्लिम किताबुल अशरफ हदीस नंबर 5666। एक आदमी बड़ा नेक था, उसको एक औरत ने बुलाया और कहा मेरे पास आइए। तो वो आदमी गया, वो आदमी गया, उस औरत ने अंदर बुलाया, मैं हदीस सुना रहा हूं। जब वो बेचारा सीधा साधा आदमी अंदर गया तो उस औरत ने कहा देखो तीन काम में से एक काम करना है, या तो तुम शराब पी लो, या फिर इस बच्चे को कत्ल कर दो, या फिर मेरे साथ गलत काम करो। अब बेचारा सीधा आदमी, सीधा साधा आदमी, वो सोचा कि अगर मैं बच्चे को कत्ल कर दूंगा तो लोग बदनाम कर देंगे, अरे अरे इतना सीधा आदमी और बच्चे को मार दिया, और अगर औरत के साथ गलत काम कर लूंगा तो बदनामी हो जाएगी। तो उसने कहा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं पी लेता हूं, उसमें किसी की बदनामी नहीं है। लेकिन जब उसने पी लिया, मैं हदीस सुना रहा हूं, पीने के बाद क्या हुआ, उसने उस बच्चे को कत्ल भी किया और उस औरत के साथ गलत काम भी किया। देखा आपने नुकसान? कितने भाई है जो जुआ खेल रहे हैं, लॉटरी खेल रहे हैं, है कि नहीं है? लॉटरी चल रही है बहुत ज्यादा, लॉटरी खेल रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, सुनन अल्लाह अल्लाह बचाए। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। हम कैसे मुसलमान है भाई? तब अल्लाह का अजाब आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावता वल बग़्ज़ा फिल खमरि वल मैसिरि वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और फाल, ये सब चीज़ें बताई गई, ये सब शैतानी काम है, उससे बच जाओ। शैतान तो तुम्हारे दरमियान दुश्मनी पैदा करना चाहता है, तुमको नमाज से अल्लाह के जिक्र से रोकना चाहता है। तो ये जो शैतानी काम जो कर रहे हैं हम और आप, शैतान बने बैठे हैं। और बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीन बेच डाली, बहुत सारे लोगों की लॉटरी कैसी लगी, किसी की लगती उगती नहीं है, भला बताइए लगती है क्या? अच्छा देखिए सही कहा उन्होंने कि जिसको मिला वो भीख मंगा हो गया, यानी वो और लगाता है और लगाता है और फंसाता है और खुद फंस जाता है और अपने आप को बर्बाद कर लेता है, सही है कि नहीं? मेरे भाई हो, इससे बच के रहिए। पैसा आपको कमाना हलाल तरीके से कमाइए, हराम तरीके से कमाना नहीं है। एक हराम कमाई का तरीका और भी है, सूद और ब्याज का पैसा। अपने पास ये भी कारोबार बहुत चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? धूम धड़क्का से, मौली साहब बोले धूम धड़क्का से चल रहा है। और एक 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 और चल रहा है जनधन बैंक, जानते क्या नाम उसका? बंधन बैंक, बंधन बैंक, सही, बांध लेता है वो बैंक, बंधन बैंक, उसका मतलब क्या है? बांध लेना। ये सब लेडीज में बहुत ज्यादा है, चल रहा पूरे को सब बांध लिया, लेडीज में ज्यादा है, बंधन बैंक या जेंट्स में भी है, लेडीज में ज्यादा, सब लेडीज को फांस, कभी कभी लेडीज की इज्जत पर भी हमला हो जाता है, बैंक वाले को पैसा नहीं देगा तो लेडीज की इज्जत लूट लेगा। है। जाके देख लीजिए आप, मौली साहब ऐसे नहीं बोल रहे, ऐसा चल रहा है। और लेडीज को मिल जा रहा है आराम से, लेकिन उसको चुकाने का वक्त आता है तो नहीं दे पाती है, तो क्या होगा? परेशान, परेशानी बढ़ गई। इसलिए मेरे भाइयों, बंधन बैंक के बंधन से निकलिए, सूद के कारोबार से दूर रहिए। जो भी सूदी कारोबार करता है, ब्याज का काम करता, ब्याज का काम कर रहा है, सुन लीजिए हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
सुनन इब्न माजा किताब तजारत हदीस नंबर 2274 अर्रबा सबून हुबन ऐसरहा अय्यन के हर रजुल उम्मा। सूद के 70 दर्जे हैं, ब्याज के 70 दर्जे हैं, और सबसे कम दर्जा यह है कि आदमी अपनी माँ से निकाह कर ले। जो भी सूदी कारोबार कर रहा है उसने अपनी माँ से निकाह कर लिया है। अब निकाह के बाद क्या होता, हर चीज जायज है, तो गोया के वो अपनी माँ के साथ गलत काम कर रहा है वो। इसलिए जो कोई भी भाई इस काम में लगे हुए हैं उस काम को छोड़ दे। बंधक बैंक में जो लोग लगे हुए हैं अपना बंधन तोड़ दे, वरना जिंदगी कुछ दिन की है, कोई किसी का अदा नहीं करता। मेरे भाई हो, ऐसे ही चले जाएंगे तो क्या होगा, अफसोस की बात है। इसलिए बचना बहुत ज़रूरी है। अपने समाज में शादी ब्याह के मसले में भी मसला होता। कुछ औरतें लेडीज सब जो बंधन बैंक से लेती है, पता है आपको क्यों लेती है? इसलिए भी लेती है कि उनकी बेटिया की शादी है, और शादी में आप लोगों के यहाँ दान दहेज नहीं है। अरे शादी में दान दहेज है आप लोगों के यहाँ? अभी क्या मिलता है, चार चक्का या दो चक्का तो खत्म हो गया, चार चक्का मिलता है। चार चक्का मतलब स्कॉर्पियो कार, सही, चार चक्का। जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है ना, जहाज चाहिए उसको। है, 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 है। सलामी भी लेता है, मुंह दिखाने का पैसा लेता है, और सब बोलता है नहीं हराम 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 है कि नहीं, अल्लाह तोबा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पूछिए दान दहेज लेना। मेरे भाइयों, इन जैसे जलसों से फायदा कब होगा, जब आप लोग जागिएगा तब। दान दहेज जिस घर में होगा बायकॉट, डीजे जिस घर में बजेगा वहां निकाह नहीं पढ़ाएंगे, बायकॉट। डीजा जहां बजाया बायकॉट, दान दहेज लिया बायकॉट, पूरे गांव वाले मिल जाए तो ताकत है, कोई आगे बढ़ जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां लोगों ने ऐसा किया उसका बड़ा फायदा है। यूपी के अंदर बहुत सारे लोगों ने दान दहेज लिया था, उसको वापस कर दिया, बोले हम नहीं लेंगे। मेरे भाइयों आप ही बताइए, जब हम दान दहेज लेते हैं तो हमारी बीवी हमारे सर पे चढ़ के रहती है, वो सीधा बोलती है ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। गलत बोला, ऐसे ही बोला, देखिए वो इमाम साहब बोल रहे हैं सही, मुशर्रफ साहब ना, माशाल्लाह इमाम साहब बोल रहे हैं बिल्कुल सही, ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है, कैसा लगेगा? ये देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं भाई, कुर्सी, कुर्सी पर बैठिएगा तो फौरन वो कहेगी ये मेरे अब्बा ने दिया है, कैसा लगेगा आप ही बताइए, कैसा लगेगा सुनने में, अच्छा लगेगा, कितना खराब लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? उस वक्त आपकी मर्दांगी कहां चली गई, कैसे मर्द है हम और आप कि मेरी बीवी ऐसा कहेगी? तो मेरे भाइयों ये सब सोचना जरूरी है, आज से अहद कीजिए दान दहेज नहीं लेंगे, दान दहेज नहीं लेंगे। दान दहेज की वजह से हमारी कुछ बेटी का निकाह अब तक नहीं हुआ है, या फिर गैर मुस्लिम के साथ वो भाग गई है, बड़े मसाइल हैं। और ये जो बंधन बैंक है, हमारी कुछ बहन कुछ औरतें इस वजह से भी जा रही हैं, कुछ को तो बहुत जल्दी पैसा कमाना है। और अपने यहाँ एक सिस्टम और चलता है, आप लोग क्या चलता कि नहीं चलता, भीसी वाला, भीसी जानते हैं, 10 लोग जमा होते हैं और पैसा एक साथ करते हैं और गोटी उछालते हैं, जिसका नंबर आ गया वो सबका पैसा ले गया, इसको क्या बोलते हैं आप लोग पता नहीं, गुल्ली, अच्छा मौली साहब बोल रहे हैं गुल्ली, उसको बोलते हैं भीसी, सही समझ गया आप, गुल्ली। और जिसको अर्जेंट जरूरत होता तो उसको कम पैसा देते हैं, है ना, उसको कम पैसा देते हैं और वो पैसा काट लिया जाता है, गलत है वो, नहीं काटा जाता नहीं, लेकिन दूसरी जगह पर है, कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर ऐसा है कि अगर तीसरे आदमी को जरूरत है, यानी इसका नंबर आ गया लेकिन ये नहीं, दूसरे को जरूरत पड़ गई तो उसको काट के देगा। तो मेरे भाइयों इन जैसी चीजों से बचना जरूरी है। अच्छा आप लोग के यहाँ लोग बारात जाते हैं क्या? बारात, अरे रे रे रे, ये तो सब बुराई पाई जाती है भाई। मैं सोच रहा था कि इधर नहीं होगा, क्योंकि माशाल्लाह सब मुसलमानों का ये है, अब ये बारात उरात करना, कभी कभी क्या होता बारात की गाड़ी गिर जाती,
एक्सीडेंट हो जाता, मर जाएं चलेगा, लेकिन बारात जाना नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं? कितने बारात जा रहे हैं? 100, 200, 300 जा रहे हैं ना। खाने को क्या मिलता? बूटी। अरे ये दांत है ना, दांत यहां रख के दबाते, अरे कैसी बूटी खिलाया, मांस भात हमी खाओ ना, सही दाल भात भरता हमी खाओ ना, सही सर ना, मुनि साहब सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं, सही सही बोल रहा हूँ, ये बंगला सही है, सही कि नहीं? दाल भात भरता खा के आएंगे क्या, बताइए आप? दाल भात भरता शादी में कोई नहीं खाता, बोले हमी खाओ ना, क्या चाहिए? गोश भात, मतलब गोश, अच्छा मांस भात ना, नहीं मांसो, मांसो जिसको गोश कहा जाता है, अच्छा मांस ना, मांसो, अच्छा मांसो, अच्छा मांसो, सही खा रहे हैं सब, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? अच्छा आप ही बताइए, अपनी कमाई से पेट नहीं भरा, दूसरे के खिलाने से पेट भर जाएगा, बताइए कैसा लगता है? और जब हम और आप किसी के गांव में जाते तो सब ताकते रहता, देखो खाने वाला सब आ गया, पेटू सब आ गया, पेटू सब कैसा लगता है? नहीं आप ही बताइए कैसा लगता है, कितना खराब लगता है ना, बहुत सर झुकाना पड़ता। मैं कहीं भी निकाह पढ़ाता हूं तो मेरा यह है कि मुहरदैन दे दो, पहले मुहरदैन दीजिए तो निकाह पढ़ाएंगे, और जो बारात लोग आते हैं तो उनको मैं उभारता हूं कि अगर आज आप लोग बारात आ रहे हैं तो फिर आपके भी बाल बच्चे का मसला है, तो उसमें तो और ज्यादा बारात आएंगे, इसलिए यह सिस्टम खत्म कीजिए और आप अकेले कीजिए। तो मेरे भाइयों, हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं बढ़ेंगे तो ऐसी बुराई फैलती रहेगी, इतने जलसे होते रहेंगे फायदा कुछ होगा? इसलिए आप आयत कीजिए, मुझे अकेले इस्लाम पर अमल करना है, इस्लाम से मोहब्बत करना सीखिए, तब सुकून मिलेगा, तब शांति मिलेगी, वरना आप दुनिया के तरीके पर चलेंगे तो शांति मिलने वाली नहीं है। बस आखिर में एक दो बात कह के और रुख्सत हूँगा। अपने यहाँ एक चीज़ और है, सब मुफ्ती बना बैठा है, सब मौलाना साहब है, बड़का मुफ्ती है, सब बड़का मुफ्ती है, मौलाना लोगों से आके बहस करता है, करते कि नहीं करते? अभी एक दो मरतबा मेरे मोबाइल पे बहस कर रहा है, रे भाई कोई भी चीज बैठ के बात करने का क्या, बैठ कुछ लोग हैं एक दो जान नहीं गए, बहस कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, और बोले मौलाना लोगों को कुछ नहीं आता, हमको ही आता है, दिस और डैट। मौलाना लोगों की इज्जत करना सीखिए, याद रखिएगा, इज्जत करना सीखिए। इनके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं, अल्लाह ताला दुआ को कबूल करते हैं, मछली समुंदर में दुआ कर रही है, चींटी बिल में दुआ कर रही है, और हम और आप बद्दुआ करते हैं, बुरा भला बोलते हैं, मौली साहब ऐसा, वो मौली साहब ऐसा, वो मौली साहब ऐसा। यही तो मौली साहब हैं जिनकी वजह से हम और आप कम से कम नाम के तो मुसलमान हैं। निकाह कौन पढ़ाते हैं? मौली साहब। जनाजा कौन पढ़ाते हैं? मौली साहब। जुमा कौन पढ़ाते हैं? मौली साहब। और पांचों वक्त की नमाज कौन पढ़ाते हैं? मौली साहब। हम खुद काय नहीं पढ़ा लेते, काय नहीं पढ़ा, जुमा पढ़ा लेने का। तो मेरे भाई उलमा की इज्जत सीखिए। आखिरी बात बयान करके आपसे रुख्सत दूंगा, फिर कुछ सवाल जवाब करेंगे। एक लंबी हदीस सुना रहा हूं, सही बुखारी किताबुल अजान हदीस नंबर 755। कूफा के अंदर साद रजी अल्लाह ताला नो गवर्नर थे। जब वो गवर्नर थे तो एक साहब थे, वो उठे, उसका नाम था ओसामा। उसने कहा कि नहीं, साद को नमाज पढ़ाना नहीं आता। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला नो का दौर था। अब गौर करें भाई, एक सहाबी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है और उनको नमाज पढ़ाना नहीं आएगा, ऐसा कहा तो उनको हटा दिया गया, अम्मार को बना दिया गया कि अम्मार जो है अब कूफा के गवर्नर हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक कमेटी बैठी तो देखे वाकई साद को नमाज पढ़ाना आता कि नहीं आता। तो पूरे मोहल्ले में एक ही आदमी था, उसने कहा कि इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता, ये तकसीम अच्छी तरह नहीं करते, ऐसा दिस और डैट। अपनी मस्जिद में भी एक ही दो तीन लोग होते हैं सर फिरे, इमाम साहब के पीछे दो तीन लोग ही लगते हैं, पूरे लोग नहीं लगते हैं, दो तीन लोग ही, जो अपनी बीवी के सामने बोल नहीं सकते, बेटे के सामने बोल नहीं सकते, बहू के सामने बोल नहीं सकते, इमाम साहब के सामने बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, इमाम साहब को निकाल रहे हैं। साद रज़ी अल्लाह तआला को रहा नहीं गया, वो उठे और दुआ की, अल्लाह ये आदमी झूठा है जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है,
इसकी फकीरी बढ़ा दे, इसके उम्र को बढ़ा दे और इसको फितने में डाल दे, वारिज़ बिल फितन, इसको फितने में डाल दे। आप गौर करें, तीन बद्दुआ दे दी, लंबी उम्र मिले, फकीर हो जाए और फितने में, आजमाइश में पड़ जाए, परेशानी में रहे। रावी बयान करते हैं, कुछ दिनों के बाद उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया था इमाम साहब पर। वाकई ऐसा हुआ, उसकी उम्र लंबी हो गई, वो गरीब हो गया और रास्ते में जब घूमता था तो लड़कियों को छेड़ा करता था, यानी फितने में पड़ गया। उसने कहा मुझे साध की बद्दुआ लग गई है। मेरे भाइयों, ये हदीस सुनाने का मकसद है, अगर आप लोग भी इमाम के पीछे पड़ जाएंगे और इमाम साहब बद्दुआ कर देंगे तो हम भी कहीं के भी नहीं रहेंगे। अगर इमाम साहब से झगड़ा है तो माफ़ी तलाफ़ी कर लीजिए। ये हदीस मैंने दो तीन जगह सुनाई है, दो तीन जगह सुनाने के बाद कई जगह पर लोग रोते हुए आए हैं और इमाम साहब से गले मिल लिए। अगर आप लोगों के यहाँ भी ऐसा मसला है कि इमाम साहब को आपने बुरा भला कहा है तो गले मिल लीजिएगा, वरना अगर वो बद्दुआ के लिए हाथ उठा देंगे तो आप कहीं के नहीं बचेंगे। बस एक दो बात और बयान करूंगा। अपने यहाँ ऐसा है, पर्दे का भी बड़ा मसला है, बेपर्दगी, बेपर्दगी, पर्दा है ही नहीं। अगर कोई औरत बुर्का पहन ले तो लोग क्या बोलते हैं, अरे भूत आ, भूतनी आ गई। क्या बोलते हैं, भूतनी आ गई, ये क्या काले काले सब। पहले की औरतें कैसी थी। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में सही बुखारी किताबुल मगाज़ी हदीस नंबर 41 के एक सहाबी सफ़ान बिन मुअत्तल ने उनको देखा तो उन्होंने अपने चेहरे को छुपा लिया। पहले की लेडीज ऐसी थी। फिर इसी तरह उनके बारे में आया, मुसनद अहमद की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ दफन है और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तीनों जहाँ दफन है वो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर है। मदीना आप जाइएगा तो देखिएगा, जो मस्जिद नबी के अंदर अभी आ गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दफन है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके शौहर हैं और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके अब्बू हैं, है ना, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के। जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ दफन हो गए तो क्या करती थी, हयान मिन उमर, कि कपड़े से पूरे बदन को लपेट लेती तब घर में जाती थी। यानी जिंदे से भी पर्दा, मुर्दे से भी पर्दा। और आज है पर्दा, बताइए, है ही नहीं हमारे। इसमें हम सब की कमी है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि घर में हम बुर्का लेकर आए, बीवी को, बहन को, माँ को, बेटी को पहनाएं। अगर हम और आप पर्दे वाले रहेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, इस्लाम बोलने के लिए बहुत ज़्यादा है लेकिन इस्लाम पर अमल करना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। तो आइए अहद कीजिए कि जो भी मसला हो हम इंशाअल्लाह अमल करेंगे और उसी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने जो मस्जिद के लिए दिया है ये आपके लिए सदका जारिया है, मरने के बाद यही काम आएगा और अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत में घर बनाएंगे। इसलिए दीन के काम में, मदरसे के काम में, मस्जिद के काम में जब भी कोई ऐलान हो तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अल्लाह आपके माल में बरकत दे, उम्र में बरकत दे और हमेशा देने वाला बनाए रखे, आमीन। अल्लाह हम में से जो बीमार है उनको शिफाए कामिल आजल अता फरमा, ज़ोर से बोलिए आमीन। अल्लाह जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, ज़ोर से बोलिए आमीन।